दोस्तों टाटा ने फाइनली अपना जो 16 चक्का है द मोस्ट फेमस ट्रक भारत में हावलेज के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड करे जाने वाला 48-25 को अब 48-30 कर दिया है। 250 हॉर्स पावर से 300 हॉर्स पावर लेके आए और टॉर्क भी बढ़ाया है इन्होंने, मतलब 950 न्यूटन मीटर से 1200-1100 दोनों न्यूटन मीटर में टॉर्क आपको अवेलेबल है। गियरबॉक्स वगैरह बढ़ाया, क्या कुछ बढ़ाया वो बात कर लेंगे। और अब मैं सिग्ना केबिन के साथ में गाड़ी दिखा रहा हूँ, मतलब 48-30 में आपको सिग्ना के साथ दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें आए हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं जिसमें केबिन के अंदर चीज़ें चेंज है। तो कितना कीमत आता है, क्या कुछ नया है, दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील। सामने की तरफ सिग्ना जो केबिन आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको पसंद आती हैं। सिग्ना केबिन आज से नहीं आ रहा, बहुत पहले से आ रहा है। बाहर से देखने में कुछ बहुत खास चेंजेस आपको नहीं लगेंगे। एक चेंज आपको जरूर दिखेगा, जो शीशा जो है वो बीच में आता था उसको साइड में शिफ्ट कर दिया है, जो अब थोड़ा थिकली मतलब देखने के हिसाब से अच्छा लगने लगा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से टाटा को शायद ध्यान देना चाहिए, याद देना चाहिए। कई बार लोग चलाते हैं ना लंबा तो जरूरत पड़ती है। बाकी फाइबर जो है वो चीजें मिलती है। इसके अलावा आप देखो बहुत बढ़िया जो है ये बंपर वगैरह मिलता है, नीचे भी आपको क्रैश प्रोटेक्शन बंपर मिल जाता है, सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ती है। कुछ लोग यहाँ भी एंगल वगैरह लगा लेते हैं तो उसकी वेल्डिंग वगैरह फैब्रिकेशन के टाइम पे, बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे आसानी से हो जाएगी। सामने की तरफ जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है वो बहुत कमाल की मिलती है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो देखिए आप सामने की तरफ विस्कस ई विस्कस फैन इसके अंदर आने लगा है। ई विस्कस फैन का मतलब क्या है कि बिल्कुल सेंटरिंग करी गई है उसकी, और वो तभी चलता है जब उसको एक्चुअली ठंडे करने की जरूरत होती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एसी के लिए भी रेडर वगैरह देखने को मिल जाता है, कूलेंट वगैरह, तो इंस्पेक्शन ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और ये ग्रिल जो है वो हवा लेने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होती है, और ये फिट फिनिश के मामले में भी बढ़िया। सामने की तरफ ये थोड़ा फाइबर का पार्ट है टाटा का लोगो, या ब्लैक पियानो में देते हैं अल्ट्रा वगैरह सीरीज़ में, प्राइमा सीरीज़ वगैरह में, बट यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा फाइबर के साथ मिलता है। हालांकि क्रोम का भरपूर यूज़ किया है टाटा, अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग आती है। सिग्ना लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉडल नंबर गेट पे लिखा जाता है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि गाड़ी की थोड़ी सी 300 एचपी का इंजन होने के बाद हाइट सिग्निफिकेंटली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ड्राइवर जिस हाइट पर बैठता था आपको वही हाइट मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एडिशन एक रहने वाला है। साइड में अगर डोर वगैरह की बात करोगे ट्रिम्स वगैरह की, तो सिग्ना केबिन में कुछ खास चेंजेस नहीं है, तो जो सिग्ना आप जानते हो वही है। आगे की तरफ एक वाइटल चेंज किया, पहले तो ये आपको टायर जो है वो 1020 का देखेगा। इसके व्हील आर्स थोड़े से बड़े हैं, मतलब सामने आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। अगर हम बाहर से बॉडी बनवाते हैं तो बॉडी बनाने वाले थोड़ा सा इसको डाउन रखते हैं, मतलब वो मडगार्ड वगैरह को काट के, बट यहाँ पे आपको बड़ा व्हील आर्स मिलेगा जिससे कि कभी पहिया खोलने लगाने में कभी आपको दिक्कत नहीं। और जब आप गाड़ी लेते हो इतना पैसा खर्च करते हो तो आपको कुछ चीज़ें देते हैं, मतलब जैसे अगर आप सिग्ना में थोड़ा सा काउल से ज़्यादा पैसा देते हो ना, कि मतलब केबिन का पैसा देते हो, तो अब यहाँ देखो कि इस पर सस्पेंडेड चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिल जाएगा, केबिन 4 पॉइंट सस्पेंडेड है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और आगे की तरफ देखो कितना काम इंजन, मतलब इंजन में काम करने के लिए कितनी सारी जगह है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे अगर गियरबॉक्स की बात करें तो मैंने बताया कि 1150 और 1350 दोनों ही 9 स्पीड के गियरबॉक्स हैं, 430 mm के क्लच के साथ में ये माउंटेड होते हैं, तो ये आप ले सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। दोनों में से आपको जो चॉइस लगे वो ले सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आगे की तरफ पैराबोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे की तरफ भी आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि बहुत एक सही चीज़ है। डबल टायर लिफ्ट एक्सल मिलता है, अब जो 14 चक्का होती है इसमें सिंगल टायर लिफ्ट एक्सल मिलता है, यहाँ पे डबल टायर लिफ्ट एक्सल है, और यही जो है इसको जब मर्जी से 12 चक्का बना लो, खाली गाड़ी 12 चक्का, भरी गाड़ी 16 चक्का, ऐसे चलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ देखने को आई है, जो लिफ्ट एक्सल हमारा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ना पूरा बोल्ट का काम किया हुआ है, मतलब जब अगर इसमें मान लो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो यहाँ पे आप इसको इजीली डाउन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये चैसी पे लंबे सरफेस पे माउंट है, अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना आप इसको, तो इसका लोड चैसी के ऊपर बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लोड आएगा वो यहाँ पे आप देखो ये जो लिफ्ट बैलेंस जो बैलून्स है वो सिंगल बैलून दे रखे, और यहाँ पे लोड आएगा तो लोड काफ़ी बढ़िया, मतलब एक तरीके से मान लो कि पूरी चैसी के अंदर जो टायर का प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। और नीचे की तरफ इसको कर्व किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे इसको जो है यू टाइप से बनाया गया, ताकि एक तरीके से प्रॉपर शाफ्ट वगैरह की जो बीच में जगह होती है ना वो बहुत बढ़िया मिल जाए। तो क्योंकि जब लिफ्ट एक्सल अप आता है तो आपके चक्कर में भी प्रॉपर शाफ्ट में वो डिज़ाइन उन्होंने वहाँ माउंट किया, अच्छी चीज़ है। चैसी की अगर हम मोटाई की बात करें तो चैसी आपको जो है वो लगभग 8.5 mm मोटी मिलने वाली है, काफ़ी मजबूत चैसी है, और रेटेड लोड में इस चैसी में कभी कोई शिकायत नहीं आती है, ना ही कभी कोई शिकायत आएगी। टाटा पीछे की तरफ बैल क्रैंक सस्पेंशन देता है, या फिर आप कहो कि ये वाले जो कमानियाँ आती हैं वो वाली कमानी देता है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन बैल क्रैंक वाली आती है, इसको हम घोड़ा बोलते हैं ना देसी भाषा में वो बोलते हैं। ये थोड़ा सा चैसी से अप होता है, बट आप देखो कि जब हम लोग क्रॉस मेंबर्स डालते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए रिज, तो बॉडी बिल्ड करते हैं जो क्रॉस मेंबर डालते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा ये डाउन ही हो जाते हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। ये बुशेस वाले आते हैं तो उतनी ज़्यादा ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक आवाज़ जो आती थी वो एक आवाज़ नहीं आती है, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आपको दोनों के दोनों हब यूनिटाइज्ड हब का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपको 5 लाख किलोमीटर तक उनको ग्रीस नहीं कराना है, वो एक चीज़ है। बाकी टाटा का जो है अब इसमें एक्सल बदल गया है, पहले आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो 910 एक्सल आता था, मतलब 910 एक्सल आता था, अब 114 आने लगा है, 114 नंबर का आने लगा है। ये आपको जो है वो टैंडम एक्सल से दोनों आपको देखेंगे ना, ये वाला जो ड्राइव एक्सल है क्राउन पिनियन है, वो अंदर से उसके
गियर्स बढ़ा दिए हैं और मतलब उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी टाटा ने की और उसको और मजबूत कर दिया, मतलब बेहतर है। स्टेपनी 14 चक्का, आप 16 चक्का में आपको पता है कितना ज़रूरी होता है हमें स्टेपनी, तो स्टेपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया बाहर की तरफ है, तो आपको कभी ड्राइवर वगैरह को दिक्कत नहीं होगी। मतलब टायर तो एक ऐसी चीज़ है ना, नई गाड़ी का भी पंचर हो सकता है, उसमें भी कील लग सकती है, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई खोलने लगाने में, अंदर चैसी पर नहीं दिया हुए। पीछे की तरफ आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और स्टैंडर्ड है किसी गाड़ी में, ऐसा नहीं कि इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, सभी गाड़ियों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, बैक लाइट सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, जो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ टाटा का बंपर जो है वो शुरू से हैवी आया है, मतलब ठीक ठाक हैवी आया है, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप देखो कि आपको सारी की सारी चीज़ें जितनी सारी एग्रीगेट्स लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार हमें 16 चक्का है तो हमें टूल बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है टूल बॉक्स बनाने की, मतलब यहाँ पे आप टूल बॉक्स बना सकते हो और ये आप यहाँ पे टूल बॉक्स वगैरह बनाने के बाद बॉडी फैब्रिकेशन के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद में अगर आप सिग्ना केबल लेते हो तो इसमें भी आप बीच में रॉड डाल के ऊपर तिरपाल बॉक्स वगैरह बनाने के लिए, रस्सा वगैरह रखने के लिए, वो वहाँ बना सकते हो। और यहाँ पे चीज़ें, अब ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। पीछे की तरफ जो एक्सल है ये आपको वो जो है वो पुराना वाला जो डमी एक्सल आता है वो आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम टू सेम एक्सल है। और इसके अंदर ABS ब्रेक्स आते हैं तो एयर चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट ये वाला काफ़ी इंप्रूव किया, ये वाला आपको बहुत ज़्यादा हैवी दिखेगा, इसमें आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे। अगर आपने पुरानी वाली BS4 या BS6 नॉर्मल वाली, मतलब पुराने फेस वाली गाड़ी देखी है तो वहाँ से इसमें बहुत अंतर है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि ये वाली जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अच्छा, गाड़ी की अगर कीमत की बात करें तो लगभग 46 से 47 लाख रुपये में रिटेल हो रही है BS6 फेस 2 वाली गाड़ी, काउल चैसी की मैं बात कर रहा हूँ, सिग्ना केबिन के आप थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो काउल चैसी जो है वो लगभग 46-47 लाख रुपीज़ आपको ऑन रोड इस समय पड़ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय। अच्छा, इसमें 375 लीटर का डीजल टैंक आता है, ये जो है वो 375 लीटर का डीजल टैंक है, पॉलीमर का डीजल टैंक होता है, और यहाँ पे आप देखो कि इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब टाटा का फ्लीट डेटा वगैरह मिलता है ना कि कितना डीजल खाया, गाड़ी कहाँ चल रही है, क्या GPS लोकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये चीज़ें कंपनी इंटीग्रेट करके दे रही है, मतलब GPS दे रही है, 4G चीज़ें दे रही है, तो आपको कभी कोई समस्या वहाँ पे नहीं आने वाली है। तो ये ओवरऑल चीज़ है, बट एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो इनका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, आपको कि भाई यूरिया का है, अगर टिपर्स की बात करो तो बहुत बड़ा लगता है, बट ये गाड़ी में इतना यूरिया नहीं लगता है, इस कारण से यूरिया को जो साइलेंसर है उसको बीच में माउंट किया गया है और डीजल टैंक के पीछे की तरफ माउंट किया गया, जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस है उसको नीचे से बाईपास करके यहाँ ले आते हैं, और उसके बाद में बेस्ट बेनिफिट ये है कि वहाँ से आपको क्या दिक्कत है कि आपको अलग से वो चीज़ नहीं करनी, मतलब एक अलग से यूनिट नहीं लगी तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ जगह मिल जाती है। बाकी गाड़ी 16 चक्का है तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी चीज़ है। एयर इंटेक यहाँ होता है तो बॉडी बिल्डर जो एकदम चिपका के बना देते हैं ना, तो सिग्ना केबिन में यहीं से एयर इंटेक आता है, जबकि ऐसा जो एयर इंटेक है वो उसमें अलग आता है, मतलब अगर आप बात करो काउल में तो वहाँ आपको आगे पहिए के पास मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में मोटी मोटी। हमने बात करी चैसी के बारे में, टायरों के बारे में, 1020 के वही सेम टायर आते हैं, 295, 90 या 20 के व्हील्स आते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब हम चलते केबिन के अंदर कि सिग्ना केबिन में एक्चुअली क्या सारा चेंज हुआ है। और केबिन में जाने से पहले एक चीज़ और आप देख लो कि यहाँ पे 48-30-30 लिखा हुआ है, मतलब ये रिजिड ट्रक है और यहाँ पे 48-30 का ब्रांडिंग आ रहा है, पर 48-25 आता था। और यहाँ पे देखो सिग्ना में पहले आपने देखा होगा ऐसा डोर हैंडल आता था, तो अब इसमें जो डोर हैंडल है वो इस तरह से आने लगा है, मतलब वर्टिकल डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, क्या जादू किया टाटा ने वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हमारा सिग्ना है 48-30 के अंदर केबिन, सिग्ना केबिन आया है, उस केबिन में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे, ये पूरा केबिन जो है वो नया है। अब क्योंकि आदमी कावल से जब जेल जाए कंपनी केबिन तो बहुत मन होता है उसका कि यार वो जो मेरे कावल में मेरे को फैसिलिटीज़ मिलती है ना वो मिलनी चाहिए। तो देखो ऊपर की तरफ स्टोरेज बॉक्स बनाए, उनमें आपको ये कवर मिलने लगा है, पहले नहीं आता था, अब जो है आपको यहाँ कवर मिलने लगा है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर का प्लेसमेंट की डेडिकेटेड जगह आती है, जो कि मुझे ऊपर से अच्छा लगता है। सन वाइजर तो हमारे शुरू से ही बड़े आते थे, वो चीज़ है। टिपर में हमने डैशबोर्ड बहुत पसंद किया है, ये वेव फ्रंट डिज़ाइन टाटा का बहुत पुराना डिज़ाइन है, तो ये वेव फ्रंट डिज़ाइन यहाँ आज भी आता है, वो सारी चीज़ें हैं। ब्लोअर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, बट सिर्फ ब्लोअर्स नहीं आते भाई, AC आता है। जी हाँ, सिर्फ AC मतलब एयर कंडीशनिंग आती है, HVAC नहीं आता, गर्म नहीं करेगा, वो ठंडा ज़रूर करेगा, ये एक चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप मैंने बताया 9 स्पीड का गियरबॉक्स, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे 1150 ले लो चाहे 1350 ले लो, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी एप्लीकेशन है वैसे ले लो। पहले टिपर्स में ये चीज़ें मिलती थी, इतनी हैवी चीज़ें। इसके बाद अगर पीछे सीट दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स है कि पहले एक हाथ से उठती नहीं थी, मतलब मुझे यही कंपार्टमेंट एक्सेस करना है तो मुझे पूरी सीट उठानी पड़ती थी, तो ये तीनों सीटें हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर उठ जाती हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है ये चीज़ कि अगर मुझे कोई बड़ा सा सामान रखना है, मतलब यहाँ पे उनको मान लो बड़ा सामान रखना है, ये सीट ऐसे खुली भी रहेगी तो मैं यहाँ सामान वगैरह रख सकता हूँ, यूटिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। पीछे की तरफ आपको शीशा जो है फिक्स्ड मिलता है, ऊपर की तरफ जो रूफ केबिन की जो रूफ वगैरह मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, और ये मुझे शुरू से पसंद है। टच लाइट्स जो सिग्ना में आती हैं वो बहुत बढ़िया लगती हैं। अच्छा, स्टेयरिंग व्हील पे आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, इससे एक मॉडल और आता है VX मॉडल आता है, वो ये नहीं है, ये बेसिक मॉडल है, सिग्ना का बेसिक मॉडल है, वो सारी चीज़ें। बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा, और यहाँ पे आप देखो तो आपको मल्टी मोड मिल जाते हैं, मतलब अब ये पहले नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। जैसे कि आप देखो
यहाँ पे मीडियम लाइट हैवी की जैसा लोड है उसके हिसाब से चला सकते हो। हिल होल्ड जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, देखो हिल होल्ड का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के बटन से मिलते हैं यहाँ पे, मतलब क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर आता है कि भाई वो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम जो है एक्सीलेटर पर पैर रख के चलाओगे कि आपको स्पीड बनानी है, बहुत माइलेज में फ़र्क पड़ता है, 1% तक माइलेज में फ़र्क पड़ता है। मान लो 400 लीटर अगर डीजल आप जो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फर्क उसमें सिग्निफिकेंट आएगा, ओवरऑल सेविंग्स में हेल्प करता है और ड्राइवर फटीग में बहुत हेल्प होती है। अब देखा हमने शुरू से कि भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील बेहतर कर दिया, देखो और बेहतर चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये BS6 वाला आ गया, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये BS6 वाला आ गया। इधर शुरू से कुछ कंट्रोल्स नहीं थे, वो आज भी नहीं है, और यहाँ पे जो एयर डायरेक्शन के इधर लेना है आपको, ब्लोअर्स वगैरह के इधर लेना है, और ये आपको हीट और वो सब चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिलती है। काफ़ी बढ़िया सा सुलझा हुआ सा पैनल है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह यहाँ लगा सकते हो, थोड़े से यूटिलिटी स्पेस वगैरह देखने को मिलते हैं, स्पेस काफ़ी मिलता है केबिन में। अब अगर मैं बात करूँ देसी लोगों की, देखो ये तो कंपनी ने मेलवा फैब्रिक वगैरह बढ़िया आगे पीछे होने वाली सीट दे दी, सस्पेंशन सीट दे दी कि भाई चलो ये देखो ये ऊपर नीचे हो सकती है और आगे पीछे हो सकती है, ये सब चीज़ें दे दी। बट एक चीज़ देखो कि अगर मान लो मुझे इसको हटवा के, मतलब यहाँ पे एक गद्दी बनवानी है मेरे को, 200 डबल स्लीपर बनवाना है, बनवा लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये डाउन है, इस पर क्लैडिंग दे रखी है, गियर लेवर भी छोटा है, वो नहीं है वॉवल करने वाला ऊंचा वाला, तो ये छोटा है, मतलब केबल शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं ना, मतलब वो पुश है केबल से, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब केबिन में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। अब एक चीज़ और दिखाऊं, डोर्स में आप पानी की बॉटल रख सकते हो, आपकी पर्चियाँ वगैरह रख सकते हो, इवन जो डोर हैंडल्स हैं ये भी आपकी पॉकेट की तरह काम करेंगे क्योंकि हम लंबे रन में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिटिंग वगैरह कंफर्टेबल है, शीशे वगैरह आप जितने भी देखोगे सारे बढ़िया हैं, वहाँ पे आप फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर मिलता है, यहाँ मिलता था ना उसमें दिक्कत होती थी, अब वहाँ वाले में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, वो साइड वाला जो है बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल मुझे सिग्ना का ये केबिन जो है वो बहुत पसंद आया, 48-30 के अलावा जो स्लीपर केबिन है वो और भी गाड़ियों में आ रहा है, 42-25 में भी यही सारा केबिन मिलता है। चलो बाहर आके बात करते हैं कि गाड़ी कैसी है और मुझे कैसी लगी और क्या मेरा इस गाड़ी के बारे में फीडबैक है और क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी है, मतलब 48-30 सिग्ना खरीदनी है, चलो आओ। हाँ जी भैया, तो बात यह है कि अगर 46-47 लाख रुपए नई गाड़ी में डालने हैं तो आप इसमें डाल सकते हो। मार्केट में लगभग सारी गाड़ियां जो है वो इसी रेट पे आ रही हैं, मतलब इससे और थोड़ी महंगी होंगी ऐसी नहीं होंगी, और ये वाली जो गाड़ी है मैं आपको काउल वाले की रेट बता रहा हूँ, सिग्ना वाले की रेट थोड़ी बहुत और ज़्यादा बढ़ेगी। देखो हैंडब्रेक की पोजीशन से लेके आपके ड्राइवर के कंफर्ट तक, उसके अलावा आप मालिक के फ़ायदे के लिए बढ़ी हुई फ्यूल इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि क्रूज कंट्रोल और मल्टीमोड फ्यूल इकोनॉमी जैसे और टाटा फ्लीट जैसे सॉल्यूशंस इसके अंदर आते हैं, गाड़ी बढ़िया बैठती है। मार्केट में बिजनेस करना है हावलेज गाड़ी का तो मार्केट अब 14 चक्का और 12 चक्का का इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा मार्केट जो है वो 16 चक्का का है, तो 16 चक्का में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, 5-4 लाख ज़्यादा दोगे बट फ़ायदे में रहोगे और मज़ा आएगा आपको। जो माइलेज गाड़ी पहले निकालती थी 3 का वो आज भी आपको माइलेज आएगा, तो ओवरऑल गाड़ी में कहीं से कोई समस्या मुझे नहीं लग रही है। अब मेरे हिसाब से यही सारा वीडियो था आपको जानने की ज़रूरी है, और अगर आप पुराने कस्टमर हो ना 2-3 गाड़ी आपके पहले से, तो आपको 0% फाइनेंस भी मिल जाएगा, डाउन पेमेंट वगैरह मिल जाएगा, तो उसके लिए आप नीचे हमारा एक नंबर वगैरह दिया है, लिंक वगैरह दिया, वहाँ आके जो है चीज़ें कर लो। अब देखो हाथ काले कर देते हैं आप खिली सफ़ेद शर्ट पहन के वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत जो है संतुष्टि मिलती है अगर लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो और भी लोग इस वीडियो को देख पाते हैं। फिलहाल के लिए रमन नायक की तरफ से इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।